नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सोनाली। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मिलने वाले मिड डे मील यानी दोपहर के भोजन को लेकर कई प्रकार की शिकायतें मिलती हैं। खाने की क्वालिटी को लेकर बच्चे शिकायत करते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग से लेकर स्थानीय प्रशासन इस समस्या से परेशान रहता है। इसको लेकर राजधानी भोपाल में अच्छी पहल शुरू की गई है। भोपाल के शाहपुरा इलाके में मध्य प्रदेश की पहली मैकनाइज्ड किचन शुरू हुई है। अक्षय पात्र फाउंडेशन ने HEG मंडीदीप के CSR फंड से करीब 12 करोड़ रुपए से यह हाईटेक किचन सेटअप तैयार किया है। CM शिवराज सिंह चौहान ने आज इसका उद्घाटन किया है। अक्षय पात्र फाउंडेशन की किचन में पूरा खाना हाइजीनिक तरीके से बनाया जाएगा। इस किचन में सब्जियाँ छीलने, काटने से लेकर आटा गूंथने और रोटी सेकने तक का पूरा प्रोसेस मशीनों के जरिए होगा। इस किचन में लगी मशीन 1 घंटे में 20,000 रोटियां बना सकती हैं। एक बार में 12,000 लीटर दाल, 125 किलो चावल पक सकेंगे। इस किचन में करीब 150 कर्मचारी प्रतिदिन काम करेंगे। अक्षय पात्र फाउंडेशन के भोपाल सेंटर के इंचार्ज बीरेंद्र सिंह ने बताया कि संत हिरदाराम नगर वैरागढ़ से लेकर मंडीदीप तक भोपाल जिले की 40 किलोमीटर की सीमा से करीब 900 सरकारी स्कूलों के 48,000 बच्चों को रोजाना पका हुआ गर्म खाना उपलब्ध कराया जाएगा। किचन से स्कूल तक भोजन पहुंचने के लिए करीब 19 लोडिंग वैन तैनात रहेंगी। अक्षय पात्र फाउंडेशन पूरे प्रदेश में, ये अक्षय पात्र फाउंडेशन की 66वीं रसोई है और यह रसोई का जो कैपेसिटी है वो 50,000 बच्चों को यह सर्व करेगी। यहाँ से पूरा भोपाल शहरी क्षेत्र के अंदर पूरा 900 स्कूल में यहाँ से खाना बन के, जो ये किचन आप जो देख रहे हैं पूरी 1 एकड़ में बनी हुई है और इसकी जो सहयोग राशि जो है हमारे HEG मंडीदीप ने उपलब्ध कराई है। इसकी निर्माण जो राशि है वो 12 करोड़ की निर्माण लागत आई है और साथ ही में जो सरकार से जो सब्सिडी है उसके अलावा जो डेप्रिशिएट अमाउंट जो मिलेगा वो भी हम लोग HEG उसको सपोर्ट करेगी। वो अमाउंट करीबन सालाना 7.5 करोड़ रुपये हो रहेगा। पूरे देश की 66वीं है और मध्य प्रदेश की पहली सबसे बड़ी किचन है अक्षय पात्र की। अक्षय पात्र की पहली किचन है मध्य प्रदेश में।